एसेंटियों तो हर चीज का एक वक्त होता है। अभी वक्त होगा, इसलिए स्वीकार कर लो। वाह गुरुजी की मैं समझ के। पचाई जी, तुसी तो समझदार हो। ताड़े मुँह आहो जी करना चक्कियाँ नहीं लगतियाँ। चक्की तो आपके मुँह से नहीं लगती। आपने 45 साल की उम्र में एक 20 साल की लड़की से शादी की है। कुछ संजोत। मैं मानती हूँ सरदार जी, कोई बड़ी मिसाल नहीं है। पर इनको तो देखो ना, ये चाहे कुछ भी बोले सब चलता है, और अगर कोई दूसरा करे तो इनको आफत आ जाती, बुराइयां करनी शुरू कर देते। क्यों? और ये उम्र क्या लगा रखी है? अरे उम्र की बंदिश हम बंदों ने बनाई है, और रब की तरफ से कोई मनाही नहीं है। ये तो बस हम लोगों के दिमाग में कह कह के बिठा दिया जाता है। 40 साल की उम्र में आपने पढ़ाई नहीं करनी है, 50 साल की उम्र में माँ बाप नहीं बन सकता। जी हाँ जी, थैंक यू। स्वागत है आपका डीसी पर चैनल में। थैंक यू। अभी पहले सीन था कि दारजी कह रहे थे कि जो बाजी की बर्फी है इसमें मैं अपनी बहू का नाम आने दूंगा, सीन क्या था वो जानना चाहेंगे। एक्चुअली आप सब अगर स्टोरी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आस्था प्रेग्नेंट हो गई है, एंड जैसे कि हम लोग पिंड में हैं, अगर अमेरिका में होते तो ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती, बट सिंस हम लोग पिंड में हैं तो ये बात बहुत अबनॉर्मल हो गई है कि यू नो बच्ची, अब आस्था की बच्ची को बच्चा होना चाहिए तो आस्था को हो रहा है, एंड वो बहुत ही एम्बैरेसिंग बन गया है दारजी के लिए, क्योंकि वो कभी पिंड से बाहर निकले ही नहीं हैं, उनको बाहर दुनिया की सोच ही नहीं पता है। तो उसी वजह से ना वो एम्बैरेसमेंट को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, जबकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, वो अलग अलग टॉपिक्स पे ना डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। और एक फादर और डॉटर का जो बॉन्ड दिखाया है दारजी और आस्था के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक उस बॉन्ड में ना एक बोलते ना दरार आ गई है, क्योंकि ये चीज़ हो गई है। तो इसीलिए दारजी अवॉइड कर रहे हैं हर तरह से आस्था को, आस्था के टॉपिक को लेकर, आस्था की प्रेगनेंसी को लेकर, और वही चीज़ सेम चीज़ मान में भी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पिंड में ही बॉर्न हुई है, ब्रॉटअप पिंड में ही हुए, अमेरिका शिफ्ट हो गए वो बात अलग है, बट आस्था की सोच और दारजी और मान की सोच बहुत ज़्यादा अलग है अभी इस बारे में। आस्था जी, और अच्छे से जानना चाहेंगे कि आपके और दारजी के बीच क्योंकि आस्था प्रेग्नेंट हो गई है और यही बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं दारजी, और दारजी क्या बहुत सारे लोग जो हैं पिंड के वो भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये पिंड है, एक छोटा सा गांव है। वही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर शहर की बात होती या US की बात होती तो बात ही अलग होती, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, बट कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। yeah. उसके लिए तो आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपके रीसेंट कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग आस्था एंड मी एज आस्था, और आप लोग दिल दिया गल्ला को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आगे भी ला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैंस फॉर लविंग दिल दिया गल्ला एंड फॉर लविंग आस्था। थैंक यू। Hi, this is Reema Vora and you're watching me on Desi Beat.